हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज इज विच ऑफ दि फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करने वाला यानी रोकने वाला कौन सा हॉर्मोन है और जो गैस्ट्रो इंटोस्टाइनल ट्रैक्ट में जो मोटिलिटी होती है उसको भी रिड्यूस करने वाला कौन सा हॉर्मोन है तो so, देखो जैसा कि हम जानते हैं कुछ एंडोक्राइन सेल्स जो है हमारे गैस्ट्रो इंटोस्टाइनल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि चार मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन रिलीज करते हैं एक है गैस्ट्रिन दूसरा सिक्रिटिन, तीसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन एंड फोर्थ है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ठीक है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो क्या करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को इनहिबिट करता है एंड जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मोटिलिटी है उसको भी रिड्यूस करता है ठीक है सो हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा जीआईपी दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी peptide ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीसीके यानी कॉलिसिस्टोकाइन जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा इट विल एक्ट ऑन फेनक्रियाज एज वेल एज गोल्व ब्लैडर वहां से फेनक्रियाटिक एंजाइम और गोल ब्लैडर से वाइल जूस को रिलीज करवाता है ठीक है सो so ये इनकरेक्ट हो जाएगा देन हम बात करें अगर सिक्रेटिन की एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ फेनक्रियाज एक्ट फे करता है वॉटर बायोकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन करवाता है ठीक है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी के ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी एरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर है विल बी ऑप्शन डी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की इलेवेंथर में पेज नंबर टू फोर्टी सेवन मिलेगी आई होप कि आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है